आज हम सुशांत केस की इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शन बदलने वाला एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। कैसे सुशांत का प्लान 15 से पहले एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। सुशांत केस में सुसाइड की थ्योरी में बहुत कुछ गड़बड़ है। सबसे बड़ी गड़बड़ सुशांत केस को सिंपल सुसाइड केस मानना ही था। सुसाइड केस में आज तक का सबसे बड़ा सबूत आज आप देखने वाले हैं। सुशांत की मौत मिस्ट्री पर बड़ा खुलासा आज आप देखेंगे। सुशांत मिस्ट्री में आपने कई खबरें सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपके साथ एक बहुत ही शॉकिंग और ऑथेंटिक डिटेल शेयर कर रहे हैं। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि बॉलीवुड के एक बहुत बड़े नाम ने किया है। इस हस्ती का हमारे पास एक मैसेज भी है जो कि सुशांत की मौत से जुड़ा एक सच बयां करता है, और ये सच अब तक किसी के सामने नहीं आया। इस डिटेल को आपको सुनना इसीलिए भी जरूरी है ताकि आप कई परतों से लिपटी इस केस की सच्चाई तक पहुंच सकें। जिन लोगों को लगता है कि सुशांत की मौत सिर्फ आत्महत्या है या फिर आत्महत्या के लिए उकसाने से ज्यादा कुछ नहीं, तो आज उन सबके मुंह बंद हो जाएंगे। तो क्या है प्लान 15? कौन है ये बॉलीवुड हस्ती जिसने एक बार फिर पलट कर रख दिया है सुशांत का केस? कैसे हुआ रिया के एक और झूठ का पर्दाफाश? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत लिखना ना भूलें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जैसे जैसे एक एक कर सच सामने आया, उसके बाद सुसाइड थ्योरी पूरी तरह फेल होती चली गई। पहले ऐसी खबरें आई कि सुशांत बड़ी फिल्म हाथ से निकलने की वजह से डिप्रेशन में थे, लेकिन हमारे पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उससे सुसाइड की ये थ्योरी पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि जो एक्सक्लूसिव जानकारी आई है वो चौंकाने वाली है। मौत के एक दिन बाद यानी कि 15 जून को सुशांत एक बड़े बैनर की फिल्म साइन करने वाले थे। फिल्म कंपनी के साथ सुशांत की फाइनल राउंड की बात भी हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले 14 जून को अचानक सुशांत की रहस्यमय हालत में मौत हो गई। आप सोचिए, जिसकी बड़ी फिल्म फ्लोर पर जाने वाली हो, जिसके पास न काम की कमी थी न पैसे की, वो सुसाइड क्यों करेगा? तो पॉइंट से पहले किसने रची सबसे बड़ी साजिश? क्या 15 जून को फिल्म साइन करने से पहले सुशांत को मारा गया? तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर की। आप सोचेंगे सुशांत केस की मिस्ट्री से इन दो हस्तियों का क्या कनेक्शन है? तो सुनिए, फरहान और रितेश की कंपनी है एक्सेल एंटरटेनमेंट, वही कंपनी जिसके बैनर तले फिल्म दिल चाहता है, फिल्म डॉन से लेकर गली बॉय जैसी तमाम सुपर डुपर हिट फिल्में बनी। इसी एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ सुशांत फिल्म साइन करने वाले थे। हमारे पास इस बात का पुख्ता सबूत है कि 13 जून की रात को सुशांत सिंह राजपूत की टीम के साथ एक्सेल एंटरटेनमेंट यानी रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर की जो कंपनी है, वहां से एक फोन कॉल किया गया था और उन्हें एक फिल्म का सिनॉप्सिस भी सुनाया गया था जो कि सुशांत को बेहद पसंद भी आया था। उनको एक मीटिंग करनी थी जिसमें वो स्क्रिप्ट के डिस्कशंस करना चाहते थे। सुशांत सिंह राजपूत ने इस मीटिंग की टाइमिंग जो थी वो 15 जून 2020 की दी थी, और 15 जून को वो ये मीटिंग जूम कॉल के जरिए करना चाह रहे थे। यानी सुशांत सिंह राजपूत इनके साथ एक बहुत बड़ी फिल्म की डील करना चाहते थे। इस सबूत के आधार पर ये कहा जा सकता है कि 8 जून को रिया के घर छोड़ने के बाद सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे। इसके अलावा 13 जून को यानी मौत से ठीक 24 घंटे पहले सुशांत ने बॉलीवुड के दो मशहूर निर्माता और निर्देशकों के साथ भी एक फिल्म पर डिस्कशन किया था। सुशांत ने फिल्म डायरेक्टर निखिल अडवाणी और प्रोड्यूसर रमेश तौरानी के साथ वीडियो कॉल पर नई फिल्म में काम करने को हामी भरी थी। डील करीब करीब फाइनल थी, फिल्म साइन करने की डेट पर बात चल रही थी, लेकिन एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ तो 15 जून को सुशांत की फिल्म साइन करने को लेकर फाइनल मीटिंग होनी थी। इस खबर की पुष्टि खुद फरहान अख्तर और रमेश सिद्धवानी की कंपनी के क्रिएटिव हेड ने की है। उन्होंने बताया कि ये बात बिल्कुल सच है, सर बहुत ही कीन थे सुशांत सिंह राजपूत को इस फिल्म में लेने के लिए, और दूसरी तरफ से यानी सुशांत को भी उनके डिटेल्स बहुत ही पसंद आए थे। उनका जो सिनॉप्सिस था वो बहुत पसंद आया था, तो वो इस बात को तय मानकर चल रहे थे कि लॉकडाउन के बाद वो इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। इसके लिए वो एक जूम कॉल पर पूरी डिटेल के साथ, पूरी स्क्रिप्ट के साथ सुशांत के साथ एक मीटिंग भी करना चाहते थे, जिसका वक्त तय हुआ था 15 जून। यानी हमारी तरफ से जूम पर स्क्रिप्ट नरेशन का प्रस्ताव रखा गया। मुझे 13 जून को अभिजीत का फोन आया कि सुशांत पहले स्क्रिप्ट पढ़ना पसंद करेंगे और फिर मंगलवार को जूम पर डिस्कशन। मैंने कहा कि मैं जल्दी स्क्रिप्ट ईमेल करूंगा। हम वास्तव में सुशांत के साथ फिल्म करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन खबर दिल तोड़ने वाली आई। धन्यवाद। एक्सेल एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा बैनर है दोस्तों, ऐसे में सुशांत को काम नहीं मिल रहा था, इस थ्योरी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 8 जून को झगड़े के बाद रिया घर छोड़कर गई, और उसके बाद जो डिटेल सामने आई वो यही थी कि सुशांत का पूरा फोकस अपने करियर पर था। सुशांत बॉलीवुड के कई बड़े निर्माता और निर्देशकों के संपर्क में थे, यानी कि मौत से पहले डिप्रेशन में नहीं थे सुशांत। सुशांत के पास फिल्मों की कमी नहीं थी। सुशांत नई फिल्म साइन करने वाले थे। 15 जून को नई फिल्म पर मीटिंग थी,
यानी सुशांत फिल्मों में काम करना चाहते थे। मतलब यह है कि सुशांत के पास बड़े बड़े बैनर्स की फिल्मों का ऑफर था। अगर रिया के घर छोड़ने के बाद सुशांत ने नई जिंदगी शुरू कर दी थी, सुशांत खुश थे तो खुदकुशी क्यों करते? आज भी इसी सवाल में सुशांत केस की मिस्ट्री उलझी हुई है और उसके सेंटर पॉइंट में रिया चक्रवर्ती, जिसने सुशांत को लेकर तरह तरह के झूठ फैलाए। तो आपका इस खुलासे पर क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत केस में 3.5 साल बाद एक और नया और बेहद घिनौना खुलासा हुआ है। रिया सुशांत के साथ उस हद तक गिरी जिसकी हम और आप कल्पना तक नहीं कर सकते दोस्तों। जी हाँ, सुशांत को फंसाने के लिए रिया उनके अश्लील वीडियो तक बनाती थी और ये हम आपको आगे इस खबर में सबूत के साथ दिखाएंगे। तो आखिर क्यों और किस मकसद से करती थी रिया ये गंदा घिनौना काम? कैसे हुआ रिया का भंडाफोड़? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आपको बता दें कि सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में रिया के खिलाफ जो FIR करवाई थी, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि रिया ने सुशांत के कई ऐसे वीडियोस बना लिए थे जो अब वो अपने ऊपर लग रहे आरोपों से बचने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो सुशांत की छवि को धूमिल कर सकते हैं, और वो इन्हीं वीडियोस का सहारा ले रही है। सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उस वक्त महाराष्ट्र की सरकार ने दबा दी थी। इन बातों को खुलकर उजागर नहीं होने दिया गया था, लेकिन यह खुलासा बेहद चौंकाने वाला है कि रिया सुशांत को उनके निजी वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया करती थी और उन्हें यह कहा करती थी कि अगर तुमने मुझे अपने साथ कास्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारी ये वीडियोस वायरल कर दूंगी और तुम्हें बदनाम कर दूंगी। और यही बात सुशांत के पिता के सिंह ने अपनी FIR में भी दर्ज कराई थी। और ये रिया पर लग रहा कोई आरोप नहीं, बल्कि सुशांत के एक पक्के और गहरे दोस्त ने भी इस बात की पुष्टि की है, जहां वो साफ साफ ये बता रहे हैं कि रिया सुशांत के कपड़े उतरवाकर उनकी वीडियोस बनाती थी और फिर सुशांत को ये वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल करती थी। आपने उनको भारी नशा दे दिया जिससे वो अनकॉन्शियस स्टेज में है। वो स्टेज में उनके कपड़े निकलवा के उनका गलत अश्लील फोटो बना लिया, वीडियो बना लिया। ये सब ब्लैकमेलर है। रिया चक्रवर्ती अगर वहां थी, एक ही कारण थी, पैसे के कारण थी, शी वाज अ ड्रग पेडलर। उनका कोई फैमिली इतिहास नहीं है कि वो फिल्म में अच्छे काम कर चुके हैं। उनका उनके साथ लॉयल्टी नहीं था, लॉयल्टी का नहीं था। इसका मतलब ये था, सुशांत सिंह राजपूत के घर पर रिया चक्रवर्ती और इम्तियाज निसार खत्री मिलकर ड्रग्स लेते थे, सुशांत को इतना दे देते थे कि वो एक हिसाब से बेहोश हो जाता था। तो इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिया ने सुशांत को कितना और किस हद तक टॉर्चर किया होगा। लेकिन ये बेहद अफसोस की बात है कि उस वक्त रिया की जो गिरफ्तारी हुई थी तो वो भी सिर्फ ड्रग एंगल में, और आज वो खुली हवा में सांस ले रही है, आजाद घूम रही है। सुशांत केस में आज तक उसे कोई सजा नहीं मिल पाई और न सिर्फ रिया बल्कि सुशांत के सभी आरोपी, पापी पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज, केशव और बॉलीवुड के वो तमाम लोग जिन्होंने सुशांत को दबाया, धमकाया, उन्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो सब मजे से अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन सुशांत के फैंस अब भी लगातार सुशांत के इंसाफ की आस लगाए बैठे